नमस्कार। तो आज हम ऐसे सवाल के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर इन्वेस्टर के दिमाग में आता है। तो सवाल ये है कि हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट में। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट को समझेंगे और देखेंगे कि आपके लिए इनमें से बेहतर कौन सा है। तो शुरू करने से पहले स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के कंसेप्ट को समझ लेते हैं ताकि आपको बाकी की चीज़ें आसानी से समझ में आए। स्टॉक मार्केट कंपनीज के लिए लोगों से पैसा उठाने का जरिया है, यानी स्टॉक मार्केट में कंपनीज लोगों से पैसा उठाती है और उन पैसों के बदले में लोगों को शेयर्स देती है। तो जब कोई कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है तो उसे लोगों से पैसा मिल जाता है और बदले में लोगों को उस कंपनी में शेयर होल्डिंग यानी भागीदारी मिल जाती है। अब कंपनी की जो शेयर प्राइस होती है वो लॉन्ग टर्म में कंपनी की ग्रोथ को फॉलो करती है। अगर कोई कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ कर रही है तो उसके शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी। अगर कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है तो लॉन्ग टर्म में उस कंपनी की शेयर प्राइस गिर जाएगी। जैसे कि हम देखते आए हैं इन्फोसिस, TCS, HDFC बैंक, इन कंपनीज ने लगातार बहुत अच्छा परफॉर्म किया है जिसके चलते लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज की शेयर प्राइस लगातार बढ़ी है। वही रिलायंस कम्युनिकेशंस, जेट एयरवेज, आइडिया वोडाफोन, इन कंपनीज ने खराब परफॉर्म किया है जिसके चलते लॉन्ग टर्म में इन कंपनीज की शेयर प्राइस गिर गई है। तो शेयर मार्केट इसी कंसेप्ट पर चलता है। तो स्टॉक मार्केट उन लोगों के लिए है जिन्हें पता है कि कंपनीज को कैसे एनालाइज किया जाता है, या फिर जो लोग सीखना चाहते हैं कि कंपनी को कैसे एनालाइज किया जाता है। क्योंकि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जिन कंपनीज में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उनकी पूरी जानकारी हासिल करनी होगी, उसे एनालाइज करना होगा और उसके बाद अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेनी होगी। सो अगर आप इन सब चीज़ों को कर सकते हो या इन सब चीज़ों को सीखना चाहते हो तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। क्योंकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोई आसान काम नहीं है। यहाँ पर आपको बहुत सारा एनालिसिस करना होता है कंपनी के मैनेजमेंट का और कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का भी। साथ ही आपको कंपनी का वैल्यूएशन भी निकालना होगा जिसके बेसिस पर आप कंपनी में इन्वेस्ट करोगे। तो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट एक रिसर्च वाला काम है। तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलो तो म्यूचुअल फंड को फटाफट समझ लेते हैं। म्यूचुअल फंड एक फंड होता है जिसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं और फिर वो फंड उन पैसों को कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। तो जो लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें ये डिसीजन नहीं लेनी होती कि किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उस कंपनी के फंडामेंटल्स क्या है, उस कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है। ये सारा काम उस फंड का फंड मैनेजर करता है। म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि आपने इन्वेस्ट किया हुआ पैसा किन कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाएगा और फिर कंपनी से जुड़ा एनालिसिस भी वो फंड मैनेजर खुद ही करेगा। मेनली दो तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड और डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, वही डेट म्यूचुअल फंड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं जैसे कि बॉन्ड्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा। सो अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, सारी डिसीजंस उस फंड मैनेजर के द्वारा ली जाती है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इंपॉर्टेंट होता है ये चेक करना कि उस म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर कैसा है, क्योंकि अल्टीमेटली आपके म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड सारे डिसीजंस वो फंड मैनेजर लेते हैं। देखो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कंपनीज का या बॉन्ड का एनालिसिस करने की तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आपको इस चीज़ का एनालिसिस तो करना ही होगा कि किस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करना है। क्योंकि इंडिया में 1900 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स है, तो ऐसे में सवाल आता है कि इन 1900 स्कीम्स में से कौन सी स्कीम चुने। तो उसके लिए आपको अगेन म्यूचुअल फंड स्कीम का एनालिसिस करना होगा, चेक करना होगा कि आपको किस म्यूचुअल फंड टाइप में इन्वेस्ट करना चाहिए और फिर उस कैटेगरी में कौन सा म्यूचुअल फंड मैनेजर बेस्ट है। तो म्यूचुअल फंड भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आप किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में पैसा इन्वेस्ट कर लो। यहाँ पे भी एनालिसिस का पार्ट आता ही आता है जिसमें आपको म्यूचुअल फंड स्कीम्स का एनालिसिस करना होता है और जो स्कीम आपको बेस्ट सूट कर रही है उसमें इन्वेस्ट करना होता है। चलो तो बात करते हैं कि आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर स्टॉक मार्केट में, इन दोनों में से कौन आपके लिए बेहतर है। तो उसके लिए आपको देखना होगा कि अगर आपके पास कंपनी का रिसर्च एंड एनालिसिस करने के लिए सफिशिएंट टाइम और एक्सपर्टीज है तो अच्छी बात है, तो फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो कंपनीज का एनालिसिस और रिसर्च करना सीखना और फिर उसमें एक्सपर्टीज हासिल करना, या फिर म्यूचुअल फंड का तरीका चुनना जिसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस म्यूचुअल फंड स्कीम को चुनना होता है जो कि कंपनीज को चुनने से आसान होता है। तो आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या कंपनीज में, ये पूरी तरह आपके एक्सपर्टीज और नॉलेज पर डिपेंड करता है। अगर इंडिया की ग्रोथ स्टोरी की बात की जाए तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी ब्राइट है। इंडिया में आपको आजकल बहुत सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी और इसलिए फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वेंचर कैपिटल्स और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हेविली इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपके पास स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का एक्सपर्टीज भी नहीं है और उसे सीखने की आपकी इच्छा भी नहीं है तो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको म्यूचुअल फंड स्कीम का एनालिसिस करना सीखना होगा। अगर आपके पास उसके लिए भी टाइम नहीं है या उसका एक्सपर्टीज नहीं है तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया में मेनली दो इंडेक्स फंड चलते हैं, सेंसेक्स इंडेक्स फंड और निफ्टी इंडेक्स फंड। सेंसेक्स और निफ्टी इंडियन स्टॉक मार्केट के दो मेन इंडाइसेस हैं। सो अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी पर भरोसा करते हो और आपको लगता है कि इंडियन इकोनॉमी आने वाले कुछ सालों में अच्छी खासी ग्रोथ दिखाएगी
तो आप डायरेक्टली सेंसेक्स और निफ्टी के इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। चाहे स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड, आप कम अमाउंट से दोनों में भी शुरुआत कर सकते हो। बहुत सारे ब्रोकरेज फर्म्स आपको जीरो अमाउंट से इन्वेस्ट करने के लिए अलाउ करते हैं। साथ ही बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको 100 और 500 रुपए से SIP शुरू करने के लिए अलाउ करते हैं। तो चाहे आपकी अमाउंट छोटी हो या बड़ी, आप आसानी से स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो चाहे आपको स्टॉक मार्केट सूट कर रहा हो या फिर म्यूचुअल फंड, आप इंडेक्स फंड इन्वेस्टमेंट के बारे में जरूर सोचिए। आपको थोड़ी बहुत अमाउंट इंडेक्स फंड में जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए। इंडेक्स फंड एक मीडियम रिस्क और मीडियम रिटर्न वाला प्रोडक्ट है, जिसको आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो आशा करता हूँ कि आज आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर म्यूचुअल फंड में। अगर आपके जहन में और भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिए। आने वाले कुछ वीडियोस में हम उनके भी आंसर्स देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम सभी को पता है, 5 सितंबर को टीचर्स डे था, जिसके चलते हम टीचर्स वीक मना रहे हैं, जिसमें आपको हमारे सारे कोर्सेज पर आज रात 11 बजे तक 10% ऑफ मिलेगा। सो अगर आप स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो आप हमारा स्टॉक मार्केट बिगिनर कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस यानी स्टॉक का रिसर्च कैसे करते हैं ये सीखना चाहते हैं तो आप हमारा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में जानना है तो आप हमारा म्यूचुअल फंड का कोर्स कर सकते हैं। और सिमिलरली अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जानना है तो आप हमारा टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगी। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।